हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में, और मैं आरती। चलिए फिर, आज का जो वीडियो है वो BPSC 133 का है, और इसमें आज ले लेते हैं यूनिट 3, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो ब्लॉक 2, और ब्लॉक 2 में यूनिट 3 एंड 4 जितने भी यूनिट है, क्योंकि 5 ब्लॉक है, 5 वीडियो लेके आएंगे। तो सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं अगर मैं वो बताऊँ, तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन बनता है बहुलवादी लोकतांत्रिक विशेषताएं, ठीक है ना। क्या होती हैं लोकतंत्र बहुलतंत्र की विशेषताएं, क्या होती हैं, सरकार और राजनीति शासन में अंतर क्या है, विकासशील देशों के सफलता के मार्ग में उत्पन्न कठिनाइयां, अधिनायकवादी और लोकतांत्रिक सरकार में क्या फर्क पड़ता है, और मार्क्सवादी राज्यों में नागरिक सैन्य संबंध। चलिए एक एक करके इसको हम लेते हैं, ठीक है ना, राइट। चलिए सबसे पहले यहाँ पर राजनीतिक शासकों के वर्गीकरण का दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे हम नहीं लेंगे वर्गीकरण के लिए। सरकार और राजनीतिक शासन में भेद क्या है, हम ये देख लेते हैं, क्या कि सरकार और राजनीतिक शासन में क्या भेद है, क्या अंतर है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, सरकार और राजनीतिक शासन में अंतर लेना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि सरकार से उस व्यवस्था का बोध होता है, ठीक है ना, जिसमें संस्थागत प्रक्रिया के द्वारा सामूहिक और बाध्य निर्णय लिए जाते हैं। सरकार का मतलब ही होता है सरकार, क्योंकि चुन के आती है और कभी कभी बिना चुने भी आ जाती है, जहाँ पे तानाशाही राजवंशी प्रणाली है। तो सरकार उस व्यवस्था से मतलब सरकार का उस व्यवस्था से बोध होता है, सरकार का आशय, सरकार का मतलब उस व्यवस्था से होता है जिसमें संस्थागत प्रक्रिया के द्वारा और सामूहिक और बाध्य निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है ना। सामूहिक यानी सबके लिए, और कभी कभी कुछ चीजें हमें माननी नहीं होती है, तब भी हमें माननी पड़ती है, क्योंकि सरकार का ये आदेश है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकार शब्द का प्रयोग प्रायः उस संस्थागत प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसके अनुसार सामूहिक तथा सामान्यतः बाध्य निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है, और लागू किए जाते हैं, राइट। और सरकार के मूल जो कार्य हैं वो कानून बनाना यानी विधायन का काम, कानून लागू करना कार्यकारक का काम, तथा कानून की व्याख्या करना न्यायिक कार्य होता है। तीनों कार्य, विधायिका यानी कानून बनाना, कार्यपालिका कानून को लागू करना, न्यायपालिका यानी कि कानून की व्याख्या करना, रक्षा करना। अब ये समझ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा अलग भी पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि सरकार के कौन कौन से कार्य हैं बताइए, तो क्या बताएंगे, यही सरकार के काम है, ठीक है ना। क्वेश्चन, सरकार के कौन कौन से काम है, 3 काम है सरकार के, ठीक है, कौन सा, कानून बनाना, कानून फिर लागू करना, फिर कानून की व्याख्या करना, यानी विधायन कार्यकारण और न्यायिक कार्य होते हैं, ठीक है, जो तीनों विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा लागू होते हैं, तीनों सरकार के अंडर में होती हैं, ठीक है। क्या हो गया, ये सरकार के बारे में हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम राजनीति शासन से मतलब लेते हैं क्या होता है, तो देखिए राजनीति पद्धति या प्रणाली अधिक विस्तृत व्यवस्था है, ठीक है ना, विस्तृत अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, बृहद अर्थ का मतलब होता है कि इसमें न केवल सरकार के अंग और राज्य की राजनीतिक संस्थाएं भी शामिल होती हैं। तो राजनीतिक शासन जो होता है उसमें क्या होता है, किसका अर्थ बृहद में यानी बहुत बड़े में लिया जाता है, और इसके अंतर्गत इसमें ना केवल सरकार के बल्कि जो अंग होते हैं विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, यही नहीं बल्कि राज्य के जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं वो भी शामिल होती हैं, ठीक है, राइट। और अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जिसमें संरचनाएं मूल और प्रक्रियाएं नागरिक समाज के साथ मिलकर कार्य करते, तो सभी शामिल होती हैं। तो राजनीतिक पद्धति या प्रणाली अधिक विस्तृत व्यवस्था जिसमें संरचनाएं मूल प्रक्रियाएं नागरिक समाज के साथ मिलकर काम करती हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हमारा है कि जो सरकार है और राजनीतिक पद्धति राजनीतिक व्यवस्था में सरकार और राजनीति में क्या अंतर है, तो ये आप लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है। और अगर सरकार का वर्गीकरण पूछ लेता है किस चीजों का ध्यान रखा जाता है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, शासन कौन करता है, पहला आज्ञा पालन किस प्रकार होता है, क्या राजनीतिक पद्धति की शक्ति केंद्रित है अथवा खंडित है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि क्या राजनीतिक शक्ति की पद्धति केंद्रित अथवा खंडित है। तो संबंध पद्धति में शक्तियों के पृथक्करण तथा रुकावट एवं संतुलन को सुनिश्चित करने की व्यवस्था पाई जाती है,
ठीक है। फिर सरकार की शक्ति किस प्रकार प्राप्त की जाती है, ये व्यक्ति और राज्य में किस प्रकार के संबंध है, राजनीति की अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है, राजनीतिक पद्धति की कार्यप्रणाली में क्या सीमाएं हैं, किन परिस्थितियों और बाध्यताओं में कार्य किया जाता है, और कोई राजनीतिक पद्धति कितनी स्थायी है या नहीं, ये जो है इसी जो आंसर है, ये राजनीतिक शासकों के वर्गीकरण के, किन बातों पर राजनीतिक शासकों का वर्गीकरण किया जाता है, यदि क्वेश्चन आता है तो फिर आपको यहाँ पर ये लिखना होगा, ठीक है। ओके, चलिए अब अगला हम क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, उसका आंसर ले लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, सरकार और राजनीतिक शासन में भेद स्पष्ट करना जो हम ऊपर देख के आए हैं, राजनीतिक शासकों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है, तो इसके तीन उद्देश्य होते हैं, मैं रिमाइंड करवा दूं एक बार से, रिमाइंड कर लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। आप हमेशा हेडिंग कॉपी में लिखा करिए, यदि आप हेडिंग भी लिख देंगे एग्जाम में और उसको अगर एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं तो भी आपको आधे से ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो राजनीतिक शासकों के वर्गीकरण की प्रक्रिया में तीन उद्देश्य होते हैं, पहला राजनीतिक शासकों के वर्गीकरण की प्रक्रिया सरकार और राजनीति को समझने की दिशा में, ठीक है ओके। दूसरा, वर्गीकरण की प्रक्रिया से राजनीतिक प्रणाली विशेष के मूल्यांकन में सहायता मिलती है ताकि शासन की कुशलता में वृद्धि हो, और तीसरा, इन समान मुद्दों के अतिरिक्त परिस्थिति विशेष में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान भी की सहायता मिलती है, ठीक है ना। तो ये वर्गीकरण प्रक्रिया के तीन उद्देश्य हो गए, जो क्वेश्चन में नहीं था लेकिन तब भी हमने ले लिया, ठीक है। यदि क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाए, तीन है इसीलिए उसको मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। ओके, अब आगे हम देखते हैं, देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक अगला क्वेश्चन था कि लोकतंत्र बहुल तंत्र की विशेषता, यानी लोकतंत्र शासन क्या है और बहुल तंत्र शासन क्या है, इसमें क्या विशेषताएं हैं या फिर इनमें अंतर क्या है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि बहुल तंत्र शब्द को उदार लोकतंत्र की अपेक्षा अधिक पसंद किया गया है, ठीक है ना, यानी इसको उदार लोकतंत्र भी कहते हैं। ये उदार लोकतंत्र आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है राइट। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छा क्यों बहुल तंत्र की जगह, यानी बहुल तांत्रिक पद्धति की जगह जो बहुल तंत्र है उसको उदार लोकतंत्र क्यों कहा गया, तो इसके दो कारण है। पहला जो कारण है वो ये है कि उदार लोकतंत्र का उपयोग प्राय एक राजनीतिक आदर्श की अवधारणा के रूप में किया जाता है, ना कि राजनीतिक शासक के रूप में, यानी उदार लोकतंत्र का प्रयोग एक राजनीतिक आदर्श के रूप में किया जाता है ना कि राजनीतिक शासक के रूप में, ठीक है। और दूसरा, बहुल तंत्र का प्रयोग यह मानकर चलता है कि अधिकांश देशों विशेषकर पाश्चात्य देशों में लोकतंत्र व्यवस्था अनेक प्रकार से उस मापदंड पर खड़ी नहीं उतरी जिनका राजनीतिक सिद्धांतों में विकास किया गया, तो बहुल तंत्र को लोकतंत्र भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, उदार लोकतंत्र अथवा बहुल तंत्री पद्धतियां जो है, ठीक है ना, यहाँ पे स्थापित है, लेकिन जापान, भारत, दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य देशों में भी जिनमें उदार लोकतंत्र की विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी उदार लोकतंत्र की कुछ जो विशेषताएं होती हैं वो भारत जैसे देशों में भी पाई जाती हैं। तो उदार लोकतंत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जैसे इस लोकतांत्रिक शासकों में कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व होता है, निश्चित समय के लिए चुने गए नागरिकों को सार्वजनिक पदों की प्राप्ति के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के समान अवसर यहाँ पे दिए जाते हैं, राजनीतिक दलों में उनके नेता को जन समर्थन प्राप्त करने के प्रयास करने की पूर्ण सुविधा प्राप्त होती है, ठीक है। सरकार का निर्माण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के आधार पर होता है, और दलों के साथ दबाव समूह भी प्रायः सक्रिय रहते हैं। दबाव समूह क्या है, बताया था आज की वीडियो में, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। अपने काम को अपने अपने समूह के हित के लिए सरकार के ऊपर जो दबाव समूह चाहता है उस तरह में परिवर्तन कराना, या ना चाहता है उसको उसी तरह से ठीक रहने देना, नहीं परिवर्तन ना कराना, परिवर्तन कराना और परिवर्तन ना कराना अपनी चाहत के हिसाब से, इसके लिए सरकार पे दबाव डालते हैं, वो दबाव समूह कहलाता है, ठीक है ओके। लोकतंत्र में विपक्ष को सहन करने का उच्च स्तरीय आदर्श पाया जाता है, विपक्ष सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाता है, और इस दिशा में सरकारी तंत्र से स्वतंत्र सूचना और माध्यम सहायक होते हैं, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष को सहन करने का उच्च स्तरीय आदर्श प्राप्त होता है। फिर तीसरा, समाज में मत विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न विविधता को लोकतंत्र जो है क्या करता है, स्वीकार कर लेता है, ठीक है। फिर और, आधुनिक लोकतांत्रिक शासकों की एक विशेषता यह भी है
कि इसमें अनेक स्वायत्त संघों और संगठनों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। अच्छा, अब इसमें आधुनिक लोकतांत्रिक भी दे दिया, बहुलवाद भी दे दिया, तो अगर आधुनिक लोकतांत्रिक भी पूछता है तो आप आंसर यही लिखिएगा, ठीक है। लोकतंत्र भी पूछता है तो आंसर यही लिखिएगा, ठीक है। इन शासकों का आधार पाश्चात्य उदार वैयक्तिक विचारधारा की राजनीतिक परंपरा है। विकसित देशों के सभी राजनीतिक शासक एक समान नहीं है, कुछ तो केंद्रीकृत बहुमत पर आधारित है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बहुल शासक, उदार लोकतंत्र तंत्र या फिर आधुनिक लोकतंत्र, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, बहुलवादी लोकतांत्रिक शासकों की क्या विशेषता है, जो भी ऊपर पढ़ के आए हैं वो विशेषता है। वीडियो को पॉज करिए, कॉपी में लिखिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, विकासशील राज्यों में लोकतांत्रिक शासन, इसके संदर्भ में क्वेश्चन ये यदि ये आता है तो, यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है विकासशील राज्यों में लोकतांत्रिक शासन कैसे होता है ना, किस तरह किया जाता है ये, या फिर एक क्वेश्चन इससे ये पूछ सकता है, क्योंकि भारत भी इसके अंतर्गत आता है, तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यहाँ पर कि विकासशील देशों में लोकतांत्रिक शासकों की सफलता के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं। अब वो कठिनाइयां आपको लिखनी है कि विकासशील देशों में लोकतांत्रिक शासकों की सफलता के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, या सफलता के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां। तो वो पहला है जनता की भाषा, ठीक है, फिर कबीलों तथा धार्मिक आधार पर जाति विभाजन, तो विभिन्न जाति समूह सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के अलग अलग व्यवस्था में होते हैं, ठीक है ना, और ये किसी कारण से सरकार के समूह की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, तो तय आवश्यक हो जाता है कि ऐसे उपाय किए जाए जिनके द्वारा विभिन्न समूह और उनके अपेक्षाओं को नियंत्रित किया जाए, ठीक है। ओके, दूसरी, तो पहली समस्या क्या हो गई, विकासशील देशों में या फिर लोकतांत्रिक ही पूछ ले, लोकतांत्रिक ही पूछ सकता है, ये भी पूछ ले, तो विकासशील आए या लोकतांत्रिक आए, दोनों के आंसर यही होगा, सफलता के मार्ग में बड़ी बाधा। तो पहली बाधा क्या हो गई, जनता की भाषा, ठीक है, पहली बाधा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बाधा हो जाएगी, ये समस्या पूछ ले, अल्प विकास, समस्या और सफलता के मार्ग में कठिनाइयां, और जब किसी के सफलता के मार्ग में कठिनाई आती है तो उसको समस्या का ही नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो समस्या पूछे, सफलता के मार्ग में कठिनाइयां, आंसर एक होगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा अल्प विकास है। अल्प विकास कैसे होगा, जैसा कि निर्भरता शब्द सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि इसका सामना करने के लिए सशक्त उपाय करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज और भी देख लेते हैं, बहुत से ऐसे देश हैं, ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी सॉरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्यों का ध्यान अधिकतर आर्थिक लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, ना कि राजनीतिक उद्देश्यों पर, ठीक है, यानी देश को कैसे विकसित किया जाए ये आर्थिक लक्ष्य होते हैं, राजनीतिक लक्ष्य नहीं कि यहाँ का शासन कैसे चलाया जाए, उनकी प्राथमिकता आर्थिक विकास होती है, ना कि पाश्चात्य विचारों के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयास होता है, ठीक है। तो ये अल्प विकास होता है कि जो देश अल्प विकसित होते हैं, जहाँ के लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, जो विकासशील देशों के अंतर भी नहीं आ अंतर्गत भी नहीं आ पाते, उससे भी पुअर कंडीशन होती है, वो वहां पे जो दूसरा एक मेन रीजन होता है वो होता है अल्प विकास, ठीक है ना, अंडर डेवलपमेंट। चलिए फिर यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा, तीसरी चीज देख लेते हैं, एशिया की इन राजनीतिक शासकों को इस आधार पर मान्यता प्राप्त होती है कि उनको अनुशासन कर्तव्य परायण निष्ठा प्राप्त होती है, और इन तीन कारणों से संबंध एशियाई देशों को लोकतंत्र का स्तर दिया जा सकता है, और कुछ अधिनायकवादी प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन इसमें और है, चीन का जनवादी मार्क्सवादी, मार्क्सवादी क्वेश्चन इसमें एक आगे आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी, वो क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है, चलिए मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देखिये, विकासशील देशों में लोकतांत्रिक पद्धतियों की सफलता के मार्ग में उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख करना है, जो अभी आपको मैं बता के आई हूँ, तीन कठिनाइयां, जनभाषा हो गई, फिर अल्प विकास हो गया। आप अल्प विकास और जनभाषा दो को लिख के एक्सप्लेन कर दीजिए, बहुत अच्छा नंबर ला लेंगे आप, है ना। ओके, अब अधिनायकवादी शासक क्या है, लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी शासन, अच्छा इनमें क्या अंतर होता है, क्योंकि इन दोनों शासकों के उनके उद्देश्य तथा उनके उपलब्ध के साधनों के आधार पर भेद किया जाता है। अधिनायकवादी शासन स्वयं यह तय करते हैं कि वह व्यक्ति के हित में क्या है, अधिनायकवादी शासन यानी
जहां अधिनायकवादी शासन होता है वहां वो लोग ये खुद तय करते हैं कि व्यक्ति के हित में क्या है, ठीक है, यानी व्यक्ति का हित वो खुद तय करते हैं, व्यक्ति से नहीं पूछते, उनके लिए हितकर है या अहितकर है ये मायने नहीं रखता है। नागरिकों की इच्छाओं की चिंता किए बिना शासन करने वाले अभिजन अपनी इच्छा उन पर थोपते हैं, ये अधिनायकवादी शासन कहलाता है, ठीक है ना। नागरिकों की इच्छाओं का सम्मान ख्याल किए बिना उनकी इच्छा उन पे अपनी इच्छा थोपना, और ऐसी सरकार को जो पूर्णतया आज्ञाकारिता मांगती है और चाहती है कि सभी उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करें, और तथा यदि आवश्यक हो अगर कार्य नहीं करती है, उनकी बातों को नहीं मानती है, तो उनपे बल भी प्रयोग किया जाए, शक्ति का प्रयोग किया जाए, जो कि लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत में है। तो अधिनायकवादी और लोकतंत्र में यही अंतर होता है, ठीक है ना, राइट। क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के द्वारा लोग चुन के आते हैं, और अधिनायकवादी में लोगों के द्वारा चुन के नहीं आते, खुद वो शासक वहां का होता है, एक परंपरा चलती है, ऐसा होता है, या एक ही एक दल वहां पे होता है, ठीक है ना। फिर दूसरा अंतर क्या हो जाता है कि अधिनायकवादी शासन स्वयं तय करते कि व्यक्ति के हित में क्या होता है, जबकि लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक शासन में ऐसा नहीं होता, वहां पे सभी व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है ना। नागरिकों की इच्छाओं की चिंता किए बिना शासन अपनी इच्छा थोपते हैं अधिनायकवादी में। लोकतंत्र में कानून बना हुआ होता है, उनके नागरिकों के कुछ मूल अधिकार होते हैं, सरकार भी उन्हें उनसे अधिकार ले नहीं सकती, वापस नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप लोकतांत्रिक में बल प्रयोग किया जाता है अपनी बात को मनवाने की, सॉरी आज्ञा अधिनायकवादी में, और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से अंतर आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लग सकता है। जब शक्ति का स्वेच्छा से पालन किया जाता है, उसका स्वेच्छा से आदर किया जाता है, ठीक है ना, और जनता जब इसे मान्यता देती है, सत्ता वैध और बाध्यकारी होती है, इसे सत्ता कहते हैं। यदि क्वेश्चन आता सत्ता किसे कहते हैं, तो जब शक्ति का स्वेच्छा से पालन किया जाए, स्वेच्छा से आदर किया जाए, सत्ता जनता ही उसको मान्यता दे और वैध और जो सत्ता में हो वो सत्ता कहलाती है, ठीक है, और सत्ता वास्तव में स्वेच्छा से स्वीकृत शक्ति होती है, राइट। इसका जो स्तर होता है नैतिक होता है, सत्ता में शक्ति का वैध प्रयोग होता है, और लोकतांत्रिक शासन इस प्रकार की सत्ता को मान्यता प्रदान करती है, ठीक है ना। ओके, तो हमने देख लिया अधिनायकवादी शासन, एक और लोकतांत्रिक में अधिनायकवादी तथा शासन और सर्वाधिकारवादी शासन, ये दो चीजें यहाँ पे आ गई हैं, अधिनायकवादी और सर्वाधिकारवादी। अब ये एक ही व्यवस्था नहीं है, अंतर है। अधिनायकवादी तो हमने ऊपर देख लिया ना, अब सर्वाधिकारवादी देख रहे हो, सकता है इससे भी क्वेश्चन पूछ दे, लोकतंत्र का ना पूछे, अधिनायकवादी और सर्वाधिकारी सर्वाधिकारवादी पूछ ले। तो इस सर्वाधिकारी जो होता है, यानी सर्व अधिकारवादी आप कह सकते हैं, व्यवस्था में आधुनिक तानाशाह के तत्व पाए गए हैं, क्योंकि इसमें सरकार की समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, राजनीतिक सामाजिक बौद्धिक जीवन सभी को सैनिक कमान की भांति एक सूत्र में बांध दिया जाता है। तो सर्व अधिकारवादी में क्या होता है कि आधुनिक तानाशाह पाया जाता है, और सरकार की जितनी भी शक्तियां होती हैं उनका केंद्रीकरण होता है, यानी एक केंद्रीकरण होता है, एक ही सरकार की शक्ति जो होती है सिर्फ एक ही होती है, और राजनीतिक सामाजिक और बौद्धिक जीवन जो होते हैं वो सैनिक कमान की भांति एक जगह बांध दिए जाते हैं, और यहाँ पे अतिवादी उत्पीड़क शासक प्रणालियों से अधिक कठोर है, ठीक है ना सभी। और सर्वाधिकार का जनसाधारण की गतिविधि पर अबाध नियंत्रण होता है, यानी कि कह सकते हैं कि सर्व अधिकारवादी वास्तव में 20वीं शताब्दी की देन है, और इस शब्द का प्रयोग दो विश्व युद्ध के अंतराल की तीन अतिवादी प्रणालियों में किया जाता है, इटली की सरकार, इटली की फासी सरकार, जर्मन नासी सरकार, नाजी जिसे बोलते हैं, सोवियत संघ की स्टालिनवाद। यहाँ पे तीन सरकार हैं जो कि सर्व अधिकारवादी हैं, इटली की फांसी सरकार, जर्मन की नासी यानी नाजी सरकार, और सोवियत संघ की स्टालिनवाद सरकार, जिसे हम क्या बोलते हैं, तानाशाह सरकार बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो सारांश क्या निकला कि जो सर्व अधिकारवादी शासन होता है अधिनायकवादी होते हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं कि सभी अधिनायकवादी तंत्र सर्व अधिकारवादी हों, ठीक है, राइट। चलिए, यदि अधिनायकवादी शासन की विशेषताएं आए तो क्या लिखेंगे, अधिनायकवादी प्रणाली इतनी शक्ति का प्रयोग आसानी से, अपनी शक्ति का प्रयोग आसानी से कर लेते हैं, और वे संवैधानिक मर्यादाओं की अवहेलना कर सके, इतनी आसानी से कर लेते हैं, ठीक है ना। इस व्यवस्था में जो लोग सत्तारूढ़ होते हैं वे दावा नहीं करते कि उनकी शक्ति के पीछे शासितों का यानी जनसाधारण की स्वीकृति होती है, क्योंकि कोई भी उनको वहां पे चुन के लेके नहीं आता, बल पर आधारित होती है। यह प्रणाली नागरिकों के विरुद्ध बड़ी सुरक्षा सुविधा से हिंसात्मक उपायों का सहारा लेती है,
ठीक है, नागरिकों यानी जनता की शासन में कोई भूमिका नहीं होती है, यानी शक्ति यानी सत्ता नियंत्रित होती है, ठीक है ना। ओके, जो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। अधिनायकवादी देश अन्य देशों के साथ अपने संबंधों में भी बल प्रयोग का सहारा लेते हैं, ठीक है। यह शासन व्यवस्था जनता की सीमित तथा अत्यंत कम राजनीतिक पहल पर आधारित होती है, या जहां लोकतंत्र संस्थागत रूप में बहुलवाद का लगभग असीमित रूप में प्रतिनिधित्व करता है, और इस व्यवस्था में शासक समूह की सत्ता कानून जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, चाहे कभी कभी वह उसकी इच्छा का आदर बेशक करे, लेकिन ये लोकतंत्र व्यवस्था के एकदम विपरीत है। अधिनायकवादी देख लीजिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। सर्व अधिकारवादी भी हमने देख लिया। अधिनायकवादी सर्व अधिकारवादी शासन में अंतर क्या है, ऊपर देख लिया। अधिनायकवादी की तीन प्रमुख विशेषताएं बताई हैं, तो हमने आपको बता दिया। इस तरह से ये वाली जो यूनिट ब्लॉक 3 है वो भी फिनिश्ड हो गया। अब 4 ले लेते हैं, 4, सैनिक नागरिक और सैन्य शासन। तो नागरिक और सैन्य शासन से हमने क्या क्या इसमें क्वेश्चन बनाए हैं। हाँ, मार्क्स राज्यों में नागरिक सैन्य शासन, ठीक है ना, मार्क्सवादी में, तो ये देख लेते हैं, राइट, ठीक है ना। ऑलरेडी सब कुछ तो लेसन पढ़ा चुके हैं, अब सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने थे, लेकिन हम आपको आंसर भी देके आ रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो इसमें देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, एक भारत में भी बनता है नागरिक सैन्य संबंध। तो भारत में आजादी के बाद सेना की अराजनीतिक प्रकृति की स्थापित परंपरा रही है, और आजादी के बाद से लंबे समय तक सेना को कामोवेश विदेश और सुरक्षा नीतियों के मामलों में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, उन्हें बाहर रखा गया था। लेकिन जब चीन के साथ 1962 में युद्ध हुआ, तो बाहरी सुरक्षा के मामलों में संवेदनशीलता बढ़ गई, और यहाँ पे सेना को राज्य के साथ किसी महत्वपूर्ण मामले में भूमिका नहीं दी गई थी। तो नागरिक नेतृत्व और सेना के बीच के संबंध कभी समतल नहीं रहे, ठीक है ना। ऐसे कुछ मौके आए जब सेना और उसके राजनीतिक आकांक्षाओं के बीच खींचातानी हुई, और सबसे अधिक अच्छा उदाहरण तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख जनरल यानी फील्ड मार्शल सॉरी थिमैया का था, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना इस्तीफा सौंपते हुए सिर्फ वापस सिर्फ इसलिए ले लिया कि कुछ घंटे बाद उनके पाकिस्तानी समकक्ष दिल्ली आने वाले थे, और कई वर्षों बाद सेना की एक टुकड़ी को उनसे असैनिक काल में बिना नागरिक नेतृत्व की आवश्यक अनुमति के गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्या की आकांक्षा को देखते हुए स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये कुछ इसमें किस्से दिए हुए हैं, ठीक है। यह भी ध्यान रखना होगा भारत के मामले में, यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पे एक दिया, उन दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत को पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है ना, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से आप जब देखेंगे ना, तब तो आपके समझ में आएगा कि क्या होता है नागरिक और सैन्य बल। देखिए एडमिरल भागवत की बर्खास्तगी भी कर दी गई, ठीक है ना। भारत में नागरिक सैन्य संबंधों की सरगर्मी में अब तक का सबसे विवादास्पद प्रकरण है। वास्तविक बर्खास्तगी और बर्खास्तगी से पहले यानी कि बर्खास्त करने से पहले दिनों में सेना और नागरिक सरकारों के बीच तीक्ष्ण कहासुनी होती थी, और इसमें ये देखा गया कि देश में इस विषय पर बहस को प्रेरित किया गया, और इस बहस के परिणामों को अपने ठोस शब्दों में व्यक्त करना काफी बाकी है। इसमें नागरिकों की या नेताओं की या नौकरशाहों की या सशस्त्र बलों की दैनिक के कामकाज के मामलों से संबंधित नियंत्रण की सीमाओं की गंभीरता से जांच करने का अवसर प्रदान किया गया था, और उस समय तर्क दिया गया था कि नागरिक शासन अंग को नीति और रणनीतिक उद्देश्यों को परिभाषित करना चाहिए, वह सेना के लागू करने के स्वतंत्र। देखिए पहले पढ़ा चुकी हूँ इसको, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है ना, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि भारत में सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों को जनप्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है, और इसके अलावा भारतीय सेना केंद्र सरकार के स्पष्ट आदेशों पर विद्रोहियों आतंकवादियों से लड़ने में शामिल रही है। तो केंद्र सरकार के अधीन ही होती है भारतीय सेना। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ कि आ सकता है भारतीय सैन्य सेवा के संबंध में भारत एक नजरिए में, ठीक है ना, तो आपको फिर लिखना पड़ेगा। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं ये कह रही थी यार, चीन का नाम लेके तो नहीं आता है, लेकिन मार्क्सवाद का आता है, मार्क्सवादी सैन्य संबंध। तो देखिए चीन जो है मार्क्सवादी विचारधारा निर्देशित देश है, और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है जो राज्य के मामलों को नियंत्रित करती है, और सेना एक ही समय में सत्ताधारी संरचनाओं का हिस्सा होती है, और फिर भी सेना पार्टी के दृढ़ नियंत्रण में होती है। कम से कम शुरुआत के वर्षों में सेना और पार्टी निकट से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। और जब तुंग ने सेना और पार्टी के बीच अंतर की जो रेखा है वो स्पष्ट कर दी, और कहा कि पार्टी को हमेशा सेना पर नियंत्रण रखना चाहिए, पार्टी को सेना पर नियंत्रण रखना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि राजनीतिक शक्ति बंदूक के बैरल से बढ़ती है, और समय के साथ सेना ने
पेशेवराना अंदाज हासिल कर लिया और इसने सेना को पार्टी के साथ परस्पर विरोधी भूमिका में ला दिया। हालांकि ये पार्टी है जो अभी भी सेना को नियंत्रित करती है और यह स्थिति जो वर्तमान समय तक जारी है। दूसरे शब्दों में सेना हमेशा पार्टी के अधीन पूरी तरह से नहीं रही है। तो सेना अक्सर देश के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संरचनाओं का सदस्य होती है, ठीक है ना। और ये भी ध्यान दे यहाँ पे थोड़ा सा दे सकते हैं कि 1987 में स्थायी समिति की सेना का प्रतिनिधित्व नहीं था और इस कारण उस समय शुरू किए गए सुधारों ने पार्टी सरकार और सेना के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा खींचने की मांग की थी। और बाद में सामने आई घटनाओं के दौरान एहसास हुआ कि पार्टी की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन में सेना ने अपने आंतरिक सुरक्षा के कर्तव्यों का पालन अपेक्षित उत्साह के स्तर पर नहीं किया था और स्थायी समिति ने सेना की सदस्यता में बदलाव बहाल हुई थी, ठीक है ना। तो ये है आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका मार्क्सवादी, ठीक है ना, विचारधारा नागरिक सैन्य के संबंध में, नागरिक सैन्य मार्क्सवादी, नागरिक सैन्य चीन, तो आपको यही लिखना है, ठीक है, ओके। चलिए इसमें और कौन सा क्वेश्चन, मुझे लगता है इसमें एक ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, एक भारत के संदर्भ में देख लिया और एक हमने मार्क्स के संबंध में देख लिया, ठीक है ना। विकासशील देशों में सेना की राजनीतिक भूमिका को समझाने के लिए अन्य कारकों की भी पहचान की गई, यानी विकासशील देश की बात आती है और सेना की राजनीतिक भूमिका क्या है विकासशील देशों में, यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आंसर यही लिखना पड़ेगा। और विकासशील की जगह यदि भारत आता है तब भी यही लिखना पड़ेगा क्योंकि भारत हमारा विकासशील देश है। तो उदाहरण के लिए कुछ विद्वानों ने स्वतंत्र संघर्ष और उसके बाद राज निर्माण के दौरान जो भूमिका निभाई उस पर सेना का राजनीतिक प्रभाव था, जैसे फ्रांस से स्वतंत्रता के लिए अल्जीरिया में सशस्त्र बल सेना के संघर्ष में अग्रणी रहे। इनमें वर्तमान समय तक अल्जीरियाई राजनीतिक व्यवस्था में अपनी प्रमुख भूमिका को बैध बनाना जारी रखा था, ठीक है ना। तो विकासशील देशों में कुछ अध्ययनों में उन सामाजिक स्थितियों को ध्यान दिया गया जो सेना की मजबूती भूमिका के लिए अनुकूल हो सकती है, जैसे मिश्र में नागरिक सैन्य संबंधों का अध्ययन करने वाले जो आमोस ने कई सामाजिक स्थितियों की पहचान की जो उसमें योगदान देते हैं, जिसे उन्होंने प्रशंसावाद कहा, अर्थात वह राज्य जिसमें राजनीतिक निर्णय लेना नियंत्रित होता है या किसी भी तरह से सेना से बहुत प्रभावित होता है, ठीक है। और सैन्य हस्तक्षेप के लिए एक उपजाऊ जमीन प्रदान करने के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ सामाजिक स्थितियों में शामिल होता है, ठीक है, ओके। लीजिए मार्क्सवादी निर्देशित राज्यों में नागरिक सैन्य संबंध की प्रकृति क्या थी, जो भी ऊपर पढ़ के आए मार्क्सवाद का वो आपको यहाँ पे लिखना है। सैनिक शासन अभिप्राय और विशेषताएं, तो विशेषताएं तो मुझे नहीं लगता सैनिक शासन की इतनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सब कुछ विशेषता अगर अलग से सैनिक शासन के प्रकार दिया हुआ है कि सैनिक शासन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है ना। सैनिक शासन अब तीन तरह की सेनाएं होती हैं, एक जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ठीक है, ओके। और क्या इसमें कुछ है शासन की रणनीति या रणनीति विषय उसके परिणाम, नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो हम ले लेते हैं। तो आई थिंक इसमें बस सैन्य तानाशाही किन तरीकों से सर्वसत्तावादी तानाशाही से अलग है। हटिंगटन के अनुसार एक राज्य की प्राकृतिक प्रगति में एक मुख्य कारक क्या है, एक राज्य की राजनीतिक प्रगति में एक मुख्य कारक क्या, सबसे ऊपर ही दिया हुआ था, ठीक है ना। सैन्य शासन द्वारा शासन करने की विशिष्ट रणनीतियां क्या हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं विशिष्ट रणनीतियां क्या हैं, ये मुझे लगता है कि शायद शायद एक क्वेश्चन पूछ दे, विशिष्ट रणनीतियां देख लेते हैं। तो हमने अभी देखा तो शायद विशिष्ट रणनीतियां ऊपर तो देखा था जो भारत और चीन वगैरह में देखा था, विशिष्ट रणनीतियां तो थी वो। एक है राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप की व्याख्या, सैन्य हस्तक्षेप यानी सैनिक का हस्तक्षेप, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, राइट, ओके। तो आई थिंक इतना काफी है, या और कुछ रह गया इसमें, हो गया, ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है ना। नागरिक सैन्य संबंध क्या, ये देख लीजिएगा ना, शुरुआत में सेना नागरिक और नागरिक सैन्य संबंध शब्दों की स्पष्ट परिभाषा देना मुश्किल था। सैन्य की एक मानक परिभाषा राज संयोजन के सभी क्षेत्रों और वर्दीधारी सशस्त्र सेवाओं का उल्लेख कर, जो वर्दीधारी होते हैं और जो क्या होते हैं शस्त्र वगैरह लेकर चलते हैं, युद्ध के हथियारों पर उनका एकाधिकार हो, ठीक है, तीन मापदंड माने गए हैं। उनका प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्र राज्य उनके नागरिकों की बाहरी सेना से खतरों के खिलाफ रक्षा करना होता है और वे राज्य के यंत्र के रूप में विधि सम्मत और वैध हैं। तो नागरिक शब्द का उपयोग सभी गैर सैन्य सामाजिक कार्यकर्ता संस्थाओं और संगठनों दोनों राज्य
सरकार के विधायी कार्यकारी और न्यायिक शाखाएं गैर राज्य जैसे राजनीतिक कर्ता राजनीतिक दल प्रभावी समूह सामाजिक आंदोलन नागरिक के संगठन आदि का उल्लेख करता है। ठीक है ना, तो नागरिक सह संबंध शब्द सेना और नागरिक प्राधिकरण के बीच के रिश्तों को उल्लेखित करता है। ये जरूर लिखिएगा जो क्वेश्चन आता है नागरिक सह संबंध का, तो शब्द सेना और नागरिक प्राधिकरण के बीच के रिश्तों को उल्लेखित करता है अथवा एक व्यापक अर्थ में सेना और समाज के बीच प्रत्येक स्तर पर संबंध को संदर्भित करता है, दर्शाता है नागरिक सैन्य संबंध। ठीक है ना, कि दो शब्दों नागरिक और सैन्य के बीच के व्यापक अंतर को व्यवहार में लाना आसान नहीं है, और जहां ऐसे भी समाज रहे जो शासक और आदिवासी युद्ध के नेता और शस्त्रों का खजाना भी रहे। ठीक है ना, ओके देख लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है, और ये जो है 4 यूनिट हो गए, ब्लॉक 2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। 4 और 5 ब्लॉक का वेट करिएगा जो आज ही हम डाल देंगे, शाम तक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर, टेक केयर, बाय।